ने भी ये डिजाइन किया भाई, हैट्स ऑफ। यहाँ की वाइब और साउंड और पानी गिरने की साउंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में होंगे। तो जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो पे रिएक्शन देखा है, मुशी भाई का एक पाकिस्तानी इंडिया में पहुंचा हुआ है। बिल्कुल, वो पहुंचे थे अपना बेंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और उन्होंने अपना पूरा वो ट्रैवल दिखाया था, कैसे वो पाकिस्तान से निकले और बेंगलोर तक पहुंचे। अब बेंगलोर से आगे का उनका सफ़र हम देखते हैं। पूरी सीरीज है तो ये उसकी दूसरी एपिसोड है, तो उस वीडियो में हम वेट ही करते रहे कि कब बेंगलुरु में जाएगा और हमें पता चलेगा कि जी क्या रिएक्शन आता है पाकिस्तानी का। तो उन्होंने वही एरोप्लेन में ही उन वीडियो को एंड कर दिया था। तो उससे नेक्स्ट वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, जिस वीडियो का टाइटल क्या है, इस वीडियो का टाइटल है बेंगलोर एयरपोर्ट फुल डिटेल्स। और इसमें अपना मुशी भाई जो है, ये उनका चैनल है और बड़े ही नाइस पर्सन है, उन्होंने हमें परमिशन दे रखी है कि आप मेरी पूरी सीरीज़ पे अपना रिएक्शन दे सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो पहले देख लेते, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस, स्टे विद अस। फुल रिव्यू करने वाले हैं जी बेंगलुरु एयरपोर्ट। इनके चैनल का नाम है मोशी भाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो जैसा आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था जी, हम बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे बेंगलुरु एयरपोर्ट और उतरने वाले हैं, सारा विजिट करवाते हैं। यहीं पे एंड की थी, यहीं पे, यहीं से स्टार्ट कर दिया। आज हम भी देख लेते हैं बेंगलुरु कैसा है। बेंगलुरु विराट कोहली की टीम है, आरसीबी रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर। तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं किसी पार्क में या फॉरेस्ट रिजर्व में आ गया हूँ, लेकिन भाई वाटरफॉल में ही था, बहुत ही बढ़िया। मोशी भाई लुक्स वेरी इनोसेंट। ये तो कुछ सफारी पार्क लग रहा है, सफारी पार्क। ये देखें वाटरफॉल एयरपोर्ट पे, क्या बात, फर्स्ट टाइम मैसिव, ऐसे लग रहा है कि हम जंगल में है। ये देख, ये एयरपोर्ट के अंदर है, ग्रीन एयरपोर्ट, क्या थीम दी हुई है। ये आप चेक करें, पूरी रूफ इन्होंने लकड़ी की बनाई हुई है। अच्छा, लकड़ी की है, बंबू, ओ बंबू लगे हुए हैं, वुड होती है, चीपेस्ट होती है, किस तरह खूबसूरती से इन्होंने, कमाल हो गया भाई, ऑसम। ये और ये सारा मेन टर्मिनल के अंदर है, ऐसा नहीं कुछ साइड पे बनाया हुआ। अच्छा, मेन टर्मिनल से गुजरते हुए, ये देख, और ये बहुत मैसिव है, मुझे नहीं पता इसमें आपको कैसे नजर आ रहे हैं। मैं तो इस तरह के एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये जो शैंडलियर लगे हैं बैम्बूस के, बहुत मैसिव है यार। और ये देखें जी, वाटरफॉल चेक करें, पूरा एक दरिया सा बनाया हुआ इन्होंने एयरपोर्ट के बीच में और आगे तक भी है। ऑसम यार, जिसने भी ये डिजाइन किया है भाई, हैट्स ऑफ। यहाँ की वाइब और साउंड और पानी गिरने की साउंड और भाई क्या ही जबरदस्त किस्म की वाइब आ रही थी, लग ही नहीं रहा था मैं हम एयरपोर्ट में आ गए। सही है। अच्छा यार, हर चीज यहाँ पे ना एक लकड़ी की बनी हुई है, अभी देखिए कितना बड़ा ये इन्होंने ये लकड़ी का बनाया हुआ है, बैम्बू का बनाया हुआ है, ये डेकोरेशन के लिए है जैसे, यहाँ वहाँ इन्होंने लकड़ियाँ यूज की हुई है। आप पूरे एयरपोर्ट पर जगह जगह पीने का साफ पानी अवेलेबल था, पूरे एयरपोर्ट पर थ्रू आउट चलने वालों के लिए फ्लैट एस्केलेटर मौजूद था, एस्केलेटर पे भी चलता था कि भाई अगर हजार लोग भी आ जाते तो बैठने वालों की जगह की कमी नहीं थी। बड़ा खुला एयरपोर्ट है, लोग कम कम है ना। मोशी भाई बाहर निकले जल्दी से एयरपोर्ट से। लो जी, ये देखिए जी सिटिंग एरिया, ये देखिए कैसा बना हुआ है, हॉल की जगह बैम्बू सिटिंग एरिया बनाए हुए इन्होंने, ये देख बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है, आर्किटेक्चर डिजाइन चेक करो जितनी तारीफ करूं कम है भाई। ये देख, ये देखिए ऐसा तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं देखने को मिलेगा, बैम्बूज जबरदस्त है, बहुत ही ग्रीन है, ये देखिए, और रियल उन्होंने दरख्त लगाए हुए अंदर एयरपोर्ट के अंदर, और ये बहुत मैसिव एयरपोर्ट है यार, लुक देखिए आप कैसी आ रही है।
तो भाई मैसूर पाक में बेंगलोर की सबसे फेमस स्वीट्स आनंद स्वीट्स का भी एक स्टॉल मिल गया, एक शॉप मिल गई, क्या बात है। आनंद का मतलब होता है टेस्ट, मजा आ गया, आनंद आ गया, वीडियो देख के आनंद आ गया। तो भाई हमने यहाँ की सबसे फेमस बर्फी ट्राई की, ओ आधी तो नीचे गिर गई। ओए यार ये बहुत ही मजेदार थी, क्या बात है। मजेदार मजेदार, ये मेरे ख्याल में इंडिया की बहुत फेमस है आनंद स्वीट, आनंद कंपनी की। भाई कॉफी बीन के शेक और ड्रिंक्स तो डेफिनेटली ट्राई करनी बनती है, कॉफी बीन्स। अच्छा ये बीन्स से डायरेक्ट बना रहे हैं, कोल्ड कॉफी शेक, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। वाह मोशी भाई वाह, फुल एंजॉय कर रहे हैं मोशी भाई। मस्ट ट्राई इफ यू आर इन बेंगलोर एयरपोर्ट कॉफी बीन्स। फ्री में है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री है या पैसे दिए हैं भाई साहब ने? विजिट किए तो सरप्राइजिंगली यार वो बहुत ही क्लीन थे। वो ऊपर देखे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, अगर आपने जाना है इधर वो जो और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आपको कुछ घंटे, ये तो शॉपिंग मॉल लग रहा है मुझे ना, गुजारने हो उसका इंतजाम किया हुआ है, शॉपिंग भी कर सकते हैं, खाबा शाबा भी चल सकता है। खाबा तो कर लिया मोशी भाई ने। कितनी खूबसूरत वॉल पेंटिंग की, जबरदस्त। तो मैंने पहली दफा इसी एयरपोर्ट पे देखा था, और भी शायद हो, असली पौधे लगाए हुए एयरपोर्ट के अंदर, और वो ऊपर देखे आप। वैसे नॉर्मली होते नहीं है रियल, है ना, आर्टिफिशियल ही होते हैं एयरपोर्ट्स पे, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। जमीन में लगी लाइट्स, अंडरग्राउंड लाइट्स, खूबसूरत लग रहा है। केयर बहुत करनी पड़ती है, आगे वो सिक्योरिटी चेकिंग आ रहा है तो फिर आगे जाके आपसे बात करता हूं मैं। नहीं नहीं, हमने सिक्योरिटी चेक किया, ग्रेडियन टिम हॉर्टन्स, बहुत बड़ा है इसका, इतना रश नहीं है, लेकिन हमने वीडियो पे डोमेस्टिक है, हां बेंगलोर सिटी पे वॉल पेंटिंग्स की हुई है, अपना कल्चर शो किया हुआ है, और वो ब्रांड्स आ रहे हैं डिफरेंट, किचन बार, और ये देखें, और ये बैम्बूस को जितना भी देखो दिल नहीं भरता भाई, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, और बीच बीच में एकदम ग्रीनरी आ जाती है, तो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का, बहुत ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का साथ साथ एक ओल्ड सा जो एक ग्रीन टाइप, नहीं गांव में जो साउथ इंडिया की स्पेशली, हाँ साउथ इंडिया में ये इनके जो गांव है उधर बैम्बू से घर बनते हैं, और बहुत ग्रीन एरिया है, उसकी एक टच दिया हुआ है, उसका एक लुक दिया हुआ है, अमेजिंग ब्यूटीफुल। साइनिंग ऑफ। अरे इसमें भी ये मोशी भाई में भी हम सिर्फ इंडिया के एयरपोर्ट तक ही महदूद रहे हैं, बेंगलुरु एयरपोर्ट तक ही हमें मोशी भाई ने महदूद रखा है, पता नहीं कब हमें बेंगलुरु सिटी दिखाएंगे, इंडिया दिखाएंगे, इंडिया का कल्चर दिखाएंगे, तो हम बड़े एक्साइटेड हैं इसकी एपिसोड 3 देखने के लिए। तो हमने पहले बेंगलुरु सिटी पे भी रिएक्शन दिया है, और जितना प्यारा वो सिटी है उतना ही प्यारा एयरपोर्ट है, और बेंगलोर सिटी को जो आईपीएल में रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इंडिया के टॉप के जो रन मशीन है विराट कोहली, आल्दो वो अपना कोई आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत सके एक भी सीज़न, लेकिन बेंगलोर सिटी बहुत ही अपना इंडिया में आप कह लें कि नुमाया किरदार अदा करता है जीडीपी वाइज और सारी चीज़ों को लेके, बहुत बड़ा सिटी, मेजर सिटी है इंडिया का। एक पाकिस्तानी इंडिया में गया तो उसका रिएक्शन हम देखना चाहेंगे कि इंडियन जो पब्लिक है वो कैसे रिएक्ट करती है एक पाकिस्तानी को इंडिया में मौजूद देखकर।
क्योंकि मूवीज में तो हमें यही दिखाया जाता है, ऐसे नफरत दिखाई जाती है, मूवीज में दिखाई जाती है, न्यूज में बताया जाता है, या वैसे ही हमें यही लगता है कि जी अगर इंडिया में चले गए तो भाई वो मार देंगे, कत्ल कर देंगे मुस्लिम्स को, ये वो, इतनी हेट और नफरत। और इंडिया में भी यही, अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान में आ जाए तो यही उनको एक डर खौफ सा लगा रहता है कि यार वो मार ना दें। लेकिन ऐसा है नहीं, आपस में ये दोनों जो पब्लिक है ना, ये आपस में बड़ा प्यार करने वाली हैं। पॉलिटिशियंस हैं वो, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन हमें ये मुशी भाई की वीडियोस देख के, जो पूरी सीरीज़ है, हमें मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि इंडियन जो पब्लिक है एक पाकिस्तानी के साथ उनका कैसा बिहेव होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये। सो गाइज, जितना हम एक्साइटेड हैं इसकी मुशी भाई की इंडिया में वीडियो देखने के लिए, अगर आप हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही आज की आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाने ना भूलें। मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।